अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जैसे कि उम्मीद थी कि इंग्लैंड कम बैक करेगा, और जो कि अभी टू अर्ली टू से होगा, मगर इंग्लैंड ने एक बहुत अच्छा स्टार्ट लिया। जेसन रॉय का कम बैक ने इस बात को प्रूव कर दिया कि जेसन रॉय की इस टीम में कितनी ज़रूरत है और इंग्लैंड की टीम बगैर जेसन रॉय के क्या है। तो आज जैसे कि मैंने पहले अपनी ही लास्ट वीडियो में बताया था कि इंग्लैंड एक अच्छा कमबैक करेगा। इंग्लैंड ऐसी टीम है जो बाउंस बैक कर सकती है, उनके पास कैपेबिलिटी भी है, उनके पास प्लेयर्स भी अच्छे हैं। तो ये एक सरप्राइज़ नहीं था, और अब मुझे पूरा यकीन है, 101% यकीन है कि एक पर्सपेक्टिव ये भी होगा कुछ लोगों का कि ये मैच फिक्स है और इंडिया से जानबूझ के बॉलिंग कर रहा है, इंडिया अपना 100% नहीं दे रहा। तो मैं ये कहना चाहूँगा, मेरा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि इतने बड़े वर्ल्ड कप में और इतने बड़े इवेंट, मेगा इवेंट में कोई भी टीम, इंडिया नहीं तो कोई भी टीम ऐसा करे कि वो जानबूझ के हारे, ये जानबूझ के अंडर परफॉर्मेंस करे सिर्फ इस वजह से कि दूसरी टीम ऊपर ना आए। तो ये मेरे ख्याल से बहुत एक ये वैलिड पॉइंट नहीं है कि इस तरह की कोई भी बात मैं नहीं समझता कि ठीक हो सकती है और ना ही होगी। अब इंडिया को क्या करना है, इंडिया को ये करना है कि इंडिया को अब जल्द से जल्द विकेट चाहिए और इस मैच में कमबैक इंडिया को लाजमी करना पड़ेगा। अगर इंडिया ने ये पार्टनरशिप जो जेसन रॉय और बेस्टो की लगी हुई है, और उन्होंने दोनों ने अपनी अब इस टाइम पे अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट कर ली हैं और बहुत अच्छे फॉर्म में और निक में लग रहे हैं, तो अगर इंडिया को कमबैक करना है तो अब बुमराह का की रोल होगा, इंडियन के स्पिनर्स को थोड़ा अटैकिंग उस पे जाना पड़ेगा। अभी तो फिलहाल उन पर अटैक हो रहा है, बट ये ऐसे बॉलर्स हैं इंडिया के पास जो किसी भी वक्त एक विकेट ले लें बस, तो उसके बाद ये फिर प्रेशर वापस अपोनेंट पे डाल सकते हैं। और इंग्लैंड का ये है, मैं पता है कि वो एक प्रेशर सिचुएशन में कभी कभार, मोस्टली मैं तो यही कहूँगा कि उन्होंने चोक करा है। तो अभी इंडिया के पास बहुत अच्छे चांसेस हैं और मुझे उम्मीद है कि इंडिया कमबैक करेगा। और अगर तो 300 या 300 से प्लस स्कोर करते हैं इंग्लैंड, तो मेरा ख्याल है कि बहुत टफ मैच होगा और फिर इंडिया को, ख़ास तौर पे विराट कोहली को और रोहित शर्मा पे बहुत प्रेशर होगा परफॉर्म करने का। और अगर इन दोनों ने आज परफॉर्म नहीं करा इन द सिचुएशन के इंग्लैंड 300+ करता है और इवन उससे कम भी करता है, पर 300+ में तो बहुत बेटर रोल हो जाएगा विराट कोहली और रोहित शर्मा का। तो अब लेट्स सी क्या क्या होता है, बट मैं यही कहूँगा कि इंग्लैंड को कमबैक करना था और शायद वो लग रहा था कि वो एक स्ट्रॉन्ग कमबैक करेंगे जिस तरह क्रिटिसिज्म हो रहा था उन पर इंग्लिश मीडिया का। तो ये मेरे लिए तो कोई सरप्राइज़ नहीं है, हो सकता है बाकी लोगों के लिए सरप्राइज़ हो। इन कॉन्ट्रास्ट के पाकिस्तान को क्वालिफाई करना है तो इंडिया को इंग्लैंड से जीतना है, तो उस वजह से ये थोड़ा सा एक बात बन सकती है। बट मेरा नहीं ख्याल कि अभी भी कुछ हुआ ऐसा हुआ है, और हर दिन का, हर टीम का एक बुरा दिन होता है, तो आई होप कि इंडिया का आज बुरा दिन ना हो। तो लेट्स सी आगे क्या होता है।